मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। अब हम कुछ आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है 2016 जी मेंस से। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ पाइप ओपन एट बोथ साइड, मतलब ओपन पाइप है, हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ है। द पाइप इज डीप वर्टिकली इन वाटर, है ना, पाइप को क्या किया, पानी में डुबाया है। सो दैट द हाफ ऑफ इट लेंथ इज इन वाटर, उसकी लेंथ कितनी हो गई, पाइप की आधी हो गई। द फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ, अब बताना है हमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितना चेंज होगा अगर लेंथ में आधा कम हो गया है, पाइप का लेंथ आधा कम हो गया तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना कम होगा, हमें बस ये बताना है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, ए एफ बाई टू, बी 3f/4, सी 2f और डी f। तो आप में कौन सा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ, है ना। हमको क्या दिया था, एक पाइप दिया था, ऑर्गन पाइप, ऐसे कुछ पाइप था जिसकी लेंथ से सपोज कितनी थी, एल लेंथ थी, कितनी थी एल, सपोज लैट कर लो। उसको मैंने क्या किया, एक पानी में उसको क्या किया, डीप कर दिया मैंने, है ना। पानी में उसको डुबा दिया, सपोज वो आधी डूब गई, आधी क्या हुई, पानी में डूब गई, तो उसका अब लेंथ होगा कितना होगा, एल बाई टू होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ओपन पाइप में, ओपन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, एफ इज इक्वल टू वी बाय 12, है ना। हमें क्वेश्चन बोला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, वी एफ है, इसलिए हम एफ ले रहे हैं, वरना एफ नॉट, एफ वन कुछ भी ले सकते थे हम। लेकिन हमें ये पता है कि ओपन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वी बाय ट्वेल्व होती है, ठीक है। अब इसका लेंथ है ना, ये 12 था, अब इसका लेंथ आधा हो गया ना, एल बाय टू हो गया, सपोज ये किसके इक्वल है, एल डैश के इक्वल है, किसके इक्वल है, एल डैश के इक्वल है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं इसको मैं उल्टा करके अगर इसको डुबा दिया पानी में आधा, है ना, अब ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये क्या क्लोज हो गया है, है ना, क्लोज हो गया है, मतलब दोनों साइड से ओपन था, मैंने क्या किया उसको उल्टा पानी में डुबा दिया जो कि आधा वो डूब गया है, तो जो डूबा हुआ साइज है, डिप्ड साइज है, साइड है, वो क्या होगा, क्लोज हो गया अब उस साइड, अब ऊपर से ओपन है नीचे से क्लोज है, तो ये कौन सा पाइप बन गया, क्लोज पाइप बन गया। अब क्लोज पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, क्लोज पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाय 4L होती थी बिल्कुल। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है, सपोज एफ एल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब रिजल्टेंट इस एल बाय टू लेंथ वाले पाइप की, वो क्या है, एफ डैश है, जो कि इक्वल होगा वी बाय 4L से, वी बाय 4L डैश, क्योंकि हमने L डैश माना उसकी लेंथ को, क्या माना, ये लेंथ कितनी है, L डैश माना हमने, क्या माना, L डैश माना है इसको, ठीक है, चलो सही है। लेकिन हमें ये भी पता है L डैश किसके इक्वल है, L बाय टू, 4 इंटू L बाय टू, टू टू कट गया, बचेगा क्या, V बाय 12। अब V बाय 12 किसके इक्वल होता है, F के इक्वल होता है, मैं पुट कर सकता हूँ F, तो हमें पता चला जो F डैश होगा वो F के इक्वल होगा, मतलब जो रिजल्टेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है हाफ डिप पाइप की, वो किसके इक्वल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल ओपन पाइप की। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है 2014 जी मेंस में पूछा गया था,
क्वेश्चन क्या है, अ पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, क्लोज पाइप है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ अ एयर कॉलम इन द पाइप हुज फ्रीक्वेंसी लाइ बिलो 1250 हर्ट्ज़, द वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड दिया गया है हमें, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन, नेचुरल ऑसिलेशन कितना होगा, कितना पॉसिबल है नंबर्स ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 1250 हर्ट्ज़ से कम होनी चाहिए। चलिए हम फाइंड करते हैं। अब ये तो हमारे पास क्लोज पाइप था, है ना, क्या था, क्लोज पाइप, हमें केस दे रहा था इस शुड बी बिलो 1250 हर्ट्ज़, ठीक है, इससे छोटा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया था हमें, 340 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो हमें एक चीज़ पता है, क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, ठीक है, क्या पता है हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, जो कि है एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी बाय कितना 4L, है ना, क्लोज पाइप हमें बोला है इसलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वी बाय 4L। और हमें एक और चीज़ दी थी ना, लेंथ 85 सेंटीमीटर जो कि इक्वल होगा 0.85 मीटर के, ठीक है। चलिए हमें पता है क्लोज पाइप में जो n की वैल्यू हो किस कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, है ना, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n, है ना, और ओपन पाइप में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती थी। चलो ओपन पाइप अब छोड़ो, अभी हम क्लोज पाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो, है ना। तो जब मैं f 0 रखूँगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया है 340 डिवाइड बाय 4 इंटू लेंथ कितना 0.85, सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर आएगा 100 हर्ट्ज़ आएगा, है ना। चलो सही है, ये क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था। अब आपको कॉन्सेप्ट याद होंगे, अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता था तो मेरे को क्या मिलता था, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, मतलब कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम मिलता था, जिसको हम क्या कहते थे, थर्ड हार्मोनिक कहते थे, है ना। तो ये जो होगा किसी को 3 × 100 जो कि होगा 300 हर्ट्ज। सिमिलरली एफ टू जो होगा वो 5 टाइम ऑफ एफ नॉट होगा, एफ थ्री होगा वो क्या होगा 7 टाइम ऑफ एफ नॉट होगा, एफ फोर होगा वो 9 टाइम ऑफ एफ नॉट होगा, एफ फाइव होगा वो 11 टाइम ऑफ एफ नॉट होगा, और एफ सिक्स होगा वो 13 टाइम एफ नॉट होगा। यहाँ तक करते हैं फिर रुक जाते हैं, सॉल्व करेंगे 5 × 100 तो 500 हर्ट्ज़, 7 × 100 700 हर्ट्ज़, 9 × 100 900 हर्ट्ज़, 11 × 100 1100 हर्ट्ज़, 13 × 100 1300 हर्ट्ज़, ओहो 1300 आ गया, जो कि बड़ा है, लिमिट हमें कितना बोला था बिलो 1250, 1300 बड़ा हो गया, तो ये कैंसिल कर दें हम। तो पॉसिबल ऑसिलेशन कितने होंगे, पॉसिबल ऑसिलेशन होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने पॉसिबल ऑसिलेशन होंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन इज 6, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी जो कि है 6, ठीक है। बोलो कितना आसान क्वेश्चन था, हमने दो क्वेश्चन अभी यूं चुटकी बजा के कर लिए, 2016 मेंस का 2014 मेंस का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना ये जो टॉपिक है
अब यहाँ पे अपना जो टॉपिक है हमारा स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप ख़त्म करते हैं। दो मैंने मेंस का क्वेश्चन कराए, बाकी आप प्रीवियस ईयर के खुद ट्राई करिए, ना आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अगले टॉपिक में हम मिलेंगे।